पूर्वांचल के लिए कभी अभिशाप कहे जाने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस से करीब करीब मुक्ति मिल चुकी है। आलम तो यह है कि 2023 में इंसेफ्लाइटिस यानी कि जापानी बुखार से इस साल एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। 2017 से पहले पूर्वांचल में हर साल इस महामारी से करीब हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी, तो वहीं सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने मिशन मोड में काम किया और नतीजा ये रहा कि आज पूर्वांचल इंसेफ्लाइटिस मुक्त हो चुका है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त, घोषणा होनी बाकी है और मुझे बताते हुए गर्व है, हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश कर दिया। पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस महामारी को लेकर विधानसभा में सीएम योगी के दावे में दम है, क्योंकि गोरखपुर से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि अब पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का अंत हो चुका है। जबकि 2017 से पहले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इसी जुलाई अगस्त के महीने में चीख पुकार मचती थी। हर दिन किसी न किसी के घर का चिराग इंसेफ्लाइटिस और जापानी बुखार से बुझ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष को आईना दिखाया और वो सुनते रहे। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत हुई थी, चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 90% जो बच्चे थे मरने वाले, जो असमय काल कल्पित हुए, वे दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के थे। क्या यहां पीडीए नहीं था क्या? क्या कर रहे थे? चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आप लोगों ने उसका समाधान नहीं निकाल पाए। आपको तो 5 साल का पूरा कार्यकाल मिला था। अब आपको पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस और जापानी बुखार के मौजूदा रिपोर्ट से रूबरू करवाते हैं। कभी पूर्वांचल के लिए अभिशाप रहे इंसेफ्लाइटिस के खात्मे की कहानी आंकड़ों की जुबानी ही दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से 2017 के बाद से धीरे धीरे एक एक करके ये जो आंकड़े हैं ये घटते चले गए। पूर्वांचल के गांवों में जुलाई और अगस्त का महीना सैकड़ों मासूम अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ देते थे। कई बच्चों को इलाज ही नहीं मिलता था, जिनको मिलता भी था तो वक्त पर नहीं मिलता था। इंसेफ्लाइटिस के कारण हजारों बच्चे विकलांग हो जाते थे। वहीं 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थितियां बदलने लगी। गोरखपुर के सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आंकड़े ही इस बात की गवाही दे रहे हैं। एक निर्णय लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, तमाम से 14 विभागों का एक समन्वय स्थापित किया गया और हर जगह इसका प्रचार प्रसार और ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई। इसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जो मरीज पहले मौला जी इवन हजारों में बीआरडी में आते थे, 2023 में मात्र बर गिने चुने मरीज रह गए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इंसेफ्लाइटिस के इलाज का बड़ा केंद्र है, इसलिए सीएम योगी ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया। बाल रोग विभाग में इंसेफ्लाइटिस और जापानी बुखार के इलाज के लिए 264 बेड्स की संख्या बढ़ाकर 428 कर दी गई। साथ ही एनआईसीयू के 16 बेड बढ़ाकर 78 कर दिए गए। वहीं एचडीयू के बेड 6 से बढ़ाकर 37 किए गए और वेंटिलेटर की संख्या 58 से बढ़ाकर 77 कर दी गई। इसके साथ ही बाल रोग विभाग में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की भी बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया और उसी का नतीजा है कि आज मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग किसी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर नजर आता है। इतना ही नहीं, इलाज के लिए दवा की कमी ना हो इसका भी ध्यान रखा गया। मौजूदा समय में इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए 3 महीने की दवा एक्स्ट्रा होती है, जबकि 2017 से पहले यहाँ पर दवाओं की कमी हमेशा ही बनी रहती थी। मौजूदा संसाधनों के अलावा बाकी जिलों में ब्लॉक लेवल पर भी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। तो केसेस क्या है, पहले से कम भी हुए हैं, दूसरे पेरिफेरी में मैनेज हो जा रहे हैं, तो जो टर्शियरी सेंटर है वहाँ पे केस कम हो गए आना।
तो जो सरकार का मतलब ये चालू किया गया था ट्रेनिंग देने का, उसका काफी अच्छा असर देखने को मिला है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से हर साल 20 डॉक्टर डीसीएच की डिग्री लेकर निकलते हैं। ये इंसेफ्लाइटिस के इलाज के लिए विशेषज्ञ होते हैं। इन्हीं डॉक्टर्स को जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी और पीएचसी पर तैनात किया जाता है। इसी के साथ सीएम योगी ने पूर्वांचल के जिला अस्पतालों और सीएचसी पीएचसी को भी अपग्रेड किया है। साथ ही ईटीसी सेंटर पीकू और मिनी पीकू भी बनाए गए हैं। न्यूज 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि सीएम योगी के कार्यकाल में कैसे मरीजों की संख्या कम होती चली गई। साल और इंसेफ्लाइटिस मरीज, ये दोनों ही चीजें आपको हम बताएंगे। 2017 की अगर बात करें तो कुल 2,247 इंसेफ्लाइटिस के मरीज थे और 511 की मौत हुई थी। 2017 की बात आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद साल 2023 के आंकड़े पर भी आप नजर डालिए। साल 2023 में इंसेफ्लाइटिस मरीज 25 हो गए और 0 लोगों की मौत हुई है, यानी कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। तो 2017 से 2023 के बीच का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं और ये भी देख लीजिए कि कितनी जल्दी से आंकड़ों में कमी आई है। तो ये कुल आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि पूर्वांचल में जुलाई अगस्त की महामारी का अंत ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे की अगर बात करें तो सीएम योगी की लंबे समय का संघर्ष है। इसीलिए सत्ता संभालते ही सीएम योगी पूरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने लगे और नतीजा आपके सामने है। दो हजार सत्रह से पहले इंसेफेलाइटिस और जापानी बुखार के इलाज के लिए पूर्वांचल का पूरा लोड बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर रहता था। जब भी किसी बच्चे को बुखार हुआ तो वो गोरखपुर दौड़ा चलाता था। इसलिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लोड को कम करने के लिए सीएम योगी ने बेहतर प्लानिंग की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लोड को कम करने के लिए सीएससी पीएचसी और जिला अस्पतालों पे फोकस किया गया। पीकू मिनी पीकू की स्थापना की गई, साथ ही डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी गई, जिसका नतीजा रहा कि अब इंसेफ्लाइटिस के मरीज तुरंत पकड़ में आ जा रहे हैं और उनका सही इलाज हो जा रहा है। इंसेफ्लाइटिस प्रभावित जिलों को चिन्हित करने के बाद सीएम योगी के आदेश पर सभी जिलों के ब्लॉक लेवल पर काम शुरू हुए और सभी पीएससी और सीएससी को अपग्रेड किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की मदद से इन इलाकों में शुद्ध पेयजल के साथ सफाई पर फोकस किया। लास्ट टू ईयर से फिगर आप देखिएगा, हार्डली हमारा 10% केस भी बीआरडी रेफर नहीं हो रहा है और डेथ्स नियरली जीरो आ गए हैं। जैसे अगर आप जेई देखिएगा तो इस बार का रिपोर्टेड केसेस जीरो हैं, डेथ्स जीरो हैं। एईएस देखिएगा तो वो भी काफी गिरा है, अभी तक टोटल 25 केसेस हैं, डेथ्स जीरो हैं। इंसेफ्लाइटिस के खात्मे में दस्तक और संचारी रोग सप्ताह ने बड़ा रोल निभाया है। दस्तक अभियान में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महिला एवं बाल कल्याण सहित 17 से अधिक विभागों को जोड़ा गया। आशा बहुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, ANM, ग्राम प्रधान और शिक्षकों को इंसेफ्लाइटिस से बचाव के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी तय की गई। इसके साथ ही गांव-गांव शुद्ध पेयजल और हर घर शौचालय के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ और घर घर दस्तक देकर बच्चों के टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। इंसेफ्लाइटिस के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस्तक अभियान चलाया। इसमें स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाते हुए 17 विभागों को आपसी सामंजस्य दिया कि किस तरीके से इंसेफ्लाइटिस का खात्मा किया जाए और हर घर पे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जाके दस्तक दिया और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ जाके उनको जागरूक किया और उसका नतीजा बेहद सकारात्मक आया। इंसेफ्लाइटिस को जल जनित बीमारी माना जाता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के साथ साथ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। योगी सरकार के इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से काफी लाभ मिला। विगत वर्षों में यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से रेफरल बीआरडी में बहुत कम हो गया है, इसलिए बीआरडी का वर्कलोड काफी कम हो गया मरीज का। और यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जितनी भी जांचें होती हैं, एलाइजा टेस्ट से लेकर के सभी दवाइयाँ मरीजों को निशुल्क दी जाती हैं। आज संचारी रोग का कहर काफी कम हो गया है और हर घर अभियान में आशा वर्कर हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, जिसके कारण बीमारी शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ रही है और इसका इलाज हो जा रहा है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश से जिस तरीके से इंसेफ्लाइटिस का खात्मा हुआ है उस पे अब विशेषज्ञों की मांग है कि योगी मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए, जिससे न सिर्फ बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम सहित जो 19 राज्य पीड़ित हैं उसमें भी इंसेफ्लाइटिस का पूरी तरीके से खात्मा हो सके। जापानी इंसेफ्लाइटिस का पहला केस 1955 में ही तमिलनाडु के बेल्लोर में सामने आया था। आज जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम देश के 19 राज्यों के 171 जिलों में फैला है। अब पूर्वांचल में योगी के सफल प्रयोग से इस महामारी पर काबू पाया जा सका है। खुद जब मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने ग्रहण किया तो उन्होंने जो हम लोगों की बेसिक मांग थी कि प्रिवेंशन पे विशेष ध्यान दिया जाए, वो भी जनवरी से, उस पर उन्होंने जो अमल किया और कराया सारे पूर्वांचल के 7-8 जिलों में, तो ये बीमारी लगभग खत्म होगी। पूर्वांचल से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी अब खत्म होने के कगार पर है। इसके पीछे सीएम योगी की कड़ी मेहनत और संघर्ष है। गोरखपुर के सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस को लेकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी। 1998 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद गए तो मजबूती के साथ इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को उठाया। 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने 19 सालों तक बतौर सांसद सदन के हर सत्र में महामारी पर सदन में अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन अब सीएम रहते हुए इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस देश में 1955 में पहली बार तमिलनाडु में सामने आया था। आज 19 राज्यों के 171 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस 1978 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था। अग्निश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज 18, गोरखपुर।